बचेली रेबल्स फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल आयरन कप के प्रतियोगिता में आज पहला सेमीफाइनल मैच रियान सेंचुरियन मुंबई और एटिल रायपुर के मध्य खेला गया। मैच काफी रोमांचक रहा। फर्स्ट हाफ के 21वें मिनट में रियान सेंचुरियन मुंबई की टीम के खिलाड़ी डिंकू ने किया। सेकेंड हाफ में रियान मुंबई की टीम को काफी अवसर मिला और गोल कर पाने में सफल नहीं हो पाए। इस तरह 1-0 की जीत कर रियान सेंचुरियन मुंबई की टीम फाइनल में प्रवेश कर गई। जर्सीना 20 सनातोई को मैन ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया। आज के मैच के निर्णायक विशाल प्रजापति, सहायक निर्णायक रोहित ठाकुर, कोर्ट ऑफिशियल उमा शंकर दीपक, दूसरा सेमीफाइनल मैच RKM नारायणपुर और BMY चरौदा के मध्य खेला जाएगा। फर्स्ट हाफ में BMY चरौदा ने एक गोल दाग कर 1-0 की बढ़त बना ली। नारायणपुर ने एक गोल दाग कर स्कोर 1-1 बराबरी कर लिया। इस तरह खेल समाप्ति के बाद किक ऑफ पेनाल्टी से फैसले में BMY चरौदा भिलाई जीत का तमंगा लेकर कल होने वाले फाइनल में रियांस मुंबई से मुकाबला होगा और रेबेल्स फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित आयरन कप पर कौन कब्जा करेंगे फैसला कल फाइनल मैच में होगा। 21 दिसंबर को फाइनल मुकाबला होने वाला है। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट। मुखर्जी, इस आयरन कप फुटबॉल का मैच कमिश्नर जी, आज आपने देखा कि दोनों सेमीफाइनल बहुत ही संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल है। जो टीम बहुत अच्छे खेली है वही टीम जो है सेमीफाइनल पहुंची। आप देखिए बहुत नामी दामी टीम जो है इस टूर्नामेंट से हार के निकल गया। इससे पता चलता है नामी दाम से नहीं चलता है, जो अच्छे खेलेगा मैदान में जिस दिन वही टीम जीत रहा है। आप देखा बंगाल से टीम आया, केरल से टीम आया, लेकिन उतना प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन ये जो चार टीम जो है उनके बीच जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें मुंबई की टीम जो है फाइनल में प्रवेश किया रायपुर टीम को हरा कर। और जो दूसरा मैच आपने देखा बहुत ही कश्मकश मैच था, जेके गोल से बराबरी था और पेनाल्टी शूट आउट में जो है आपके जो टीम BMY चरोदा जो कि चर्चित टीम है हमारे छत्तीसगढ़ से, वो टीम जो है फाइनल पहुंची। तो कल आपको बहुत ही अच्छा फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा मुंबई विरुद्ध BMY चरोदा।